वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल जा चुकी है। लाहौर की इतनी गर्मी है और मैं आजकल ना ठंडे ठंडे स्लश पीती हूँ और ये आइसक्रीम खाती हूँ, मार्गरीटा बनाती हूँ और ये फालसे का जूस बहुत ठंडा ठंडा पी रही थी 3-4 दिनों से। तो फिर उसने तो कुछ असर करना ही था और मेरा अब ना जो गला है ना बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो चुका है। सो आई अपोलोजाइज़, मुझे इसी आवाज़ से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपसे कंफर्टेबल, इजी और ना बहुत सिंपल ना समर लॉन के डिज़ाइन आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कपड़े सिलवाए। मैंने 3-4 सूट लिए थे, कुछ अलकरम से लिए और एक दो मैंने लाइमलाइट से लिए। वैसे ज़्यादातर तो मैं प्रेफर करती हूँ रेडी टू वेयर सूट क्योंकि वो सबसे बेस्ट होते हैं, ये टेलर की ना झंझट नहीं होती। लेकिन समटाइम्स आपको ना कंफर्टेबल और जो सिंपल सूट होते हैं ना, लाइक मुझे लॉन्ग शर्ट्स पसंद हैं और प्लाजो, खुले खुले जो ट्राउज़र्स होते हैं, समटाइम्स वो आपको नहीं अवेलेबल होते, मैचिंग ट्राउज़र नहीं मिलते या लॉन्ग शर्ट्स नहीं मिलती। तो वो मैंने सोचा कि मैं अनस्टिच सूट लेती हूँ। ये मैंने सूट जो आपको दिखा रही हूँ ये था अलकरम का, ये मैंने ईद के लिए सोचा था। जो अनफॉर्चुनेटली जो टेलर जो थे वो उन्होंने पता नहीं, टेलरों को जो लोग फेस करते हैं उनको पता होगा उनके झूठे वादे, और जो ये ईद पे तो नहीं बन सका था लेकिन उसने बाद में बनाया। तो मैंने वो डिज़ाइन आपसे शेयर करती हूँ। एक दो सूट मैंने यहाँ से अलकरम से लिए और दो सूट मैंने लाइमलाइट से लिए। ये मेरे कपड़े सिल के आ गए हैं सारे, तो मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ कि क्या डिज़ाइन बनवाए हैं मैंने और टेलर ने कैसे सिए। तो चलें आपको वन बाय वन करके मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट ये जो है ये मैंने अलकरम से लिया था, ये 3 पीस है, इसके साथ ऑरेंज दुपट्टा है। ये इसमें पता नहीं क्या प्रिंट था, इस पर आयरन नहीं हो सकती, इसको उल्टा करके आयरन करना पड़ती है। और इसके बॉर्डर पे ये ऑरेंज कलर की कढ़ाई थी और ये देखिए इसके साथ ऑरेंज दुपट्टा है, जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये इसके साथ मैंने प्लाजो बनाया है लॉन्ग शर्ट पैनल के साथ। पैनल में बाजुओं पर ये जो मैंने लेस लगवाई थी टेलर से, अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी इसके साथ। मैंने इसको कहा था कि सेम कलर की हो, शुक्र है उसने इसको ऑरेंज नहीं किया। और ये पैनल भी बनाए और पैनल के बीच में भी इस लेस को रखा है। ये एयरलाइन फ्रॉक भी कह सकते हैं, फिटिंग में है ऊपर से नीचे से इसका घेरा, जहाँ जितनी इसकी कढ़ाई थी ना मैंने कहा था कि उतना ही आपने नीचे से दामन रखने, और शायद ये बटन लगाना भूल गए, यहाँ पे मैंने उसको ऑरेंज बटन कहा था। एनीवे वो टेलर जो होते हैं ना, टेलर अपनी ही मर्ज़ी करती है। और ये जो है ये मेरा फेवरेट कलर, मुझे लगा पहन के भी बहुत अच्छी लुक आई मुझे ये। इसको टेलर जो है ये इसको जैपनीज स्कर्ट नेक लाइन कहते हैं। तो इसकी कमीज़ का दामन बहुत अच्छा था, ये मैंने लाइमलाइट से सूट लिया था। और साथ ही इसके अंदर जो इंटरफेस है इसके अंदर, वो मैंने दुपट्टा मेरून कलर का और इसके साथ मेरून कलर का दुपट्टा लिया। दुपट्टा मैंने चुनरी स्टाइल में लिए, ये 2 पीस थे लाइमलाइट के, इसका दुपट्टा मैंने सेपरेट लिया था। और इसका जो ये नॉर्मल कमीज बनाई है, इसमें एयरलाइन नहीं बनाई क्योंकि इसमें डिज़ाइन था बॉर्डर पे, तो सिंपल इसको रखा। लेकिन इसका जो गला था इसमें ये कट के साथ इसकी सेपरेट उन्होंने ये लगाई हुई थी, बाजू पे लगा लें या ट्राउज़र पे, तो मैंने प्रेफर किया कि ये जो डिज़ाइन है ये गले पर आ जाए। तो बहुत अच्छा इसकी लुक आई, आई लाइक इट, मुझे इस तरह की ना गली बहुत पसंद है। द कलर इज़ वेरी नाइस एंड थैंक गॉड कि उसने स्टिचिंग बहुत अच्छी की है, आई लाइक इट, पहन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस शर्ट के साथ भी मैंने ना प्लाजो बनाया क्योंकि मेरे जो आइडियाज़ इनमें था कि इसके साथ प्लाजो अच्छा लगेगा क्योंकि इसका दामन जो है ना कम, चौड़ाई इसकी कम है। ये नेक्स्ट सूट जो है ये अलकरम का अनस्टिच सूट मैंने लिया था ईद के लिए, इसकी जो प्राइस थी तकरीबन 8,000 समथिंग थी। और ये टेलर ने खुद से इसके आगे ये डिज़ाइन बना दिए, नोके बना दिए, क्या पिरामिड बना दिए, लेकिन एनी हाउ अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे, तो इट्स ओके। और ये जो पैचेस थे कढ़ाई वाले ये इसके साथ थे, तो कुछ इसके बाजू पे लगवाए हैं, पिंक कलर का इससे हैं, तो आई थिंक टेलर ने इसके पिंक कढ़ाई के साथ खुद ही मैच करके ये पैचेस लगा दिए, नहीं पैचेस कह रही हूँ, ये जो क्या कहते हैं इसे, नोके लगा दिए, पहाड़ बना दिए। और ये बटन भी उसने लगाए हैं विच इज़ गुड, अच्छे लग रहे हैं। गोल गले की कोई नहीं है कि इसका फैशन ट्रेंड में है, ऑलवेज इन ट्रेंड। और ये दामन में भी इसने पैच लगाया है और नीचे ये डिज़ाइन किए,
इट्स नाइस। और इसके साथ मैंने ना वो ट्राउज़र बनाए, प्लेन ट्राउज़र, प्लाजो नहीं बनाया, पेंट होती ना सिंपल वो। इसकी ना चादर बहुत बड़ी थी और इसकी इंटरफेस भी उसने पिंक कलर की है, नाइस। पाइपिंग इसकी अच्छी लग रही है। टेलर टाइम पे सी देता तो मैं ये ईद पे पहनती है, लेकिन यही होता है टेलर्स के वो जो होते हैं ना फेक प्रोमिसज, इसलिए मैं मोस्टली ना दोनों मिक्स कपड़े पहनती हूँ, मोस्टली मैं रेडी टू वेयर कपड़े पहनती हूँ। और ये जो है ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है पिंक एंड येलो का, ये बड़ा अच्छा इसका प्रिंट था। और मैंने इसके साथ एयरलाइन कमीज़ बनाई, खुली दामन वाली लॉन्ग शर्ट, और साथ टेलर ने इसके बटन लगा दिए। आई थिंक येलो इसकी जो चादर है उसके साथ उसने खुद से ये येलो पाइपिंग कर दिए और इसका ये कलर का डिज़ाइन बनाया है। इसकी इंटरफेस जो है उसने येलो की है और नीचे दामन पे भी यही किया है। और इसका बॉर्डर देखें कितना अच्छा है, इसके साथ जो चादर है वो येलो है और येलो का आप देखें, येलो के साथ उसने कमीज़ की जो पिंक कलर की मैचिंग करके इंटरफेस कर दिया है, पाइपिंग कर दी है चादर के चारों तरफ, तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी पहन के बहुत अच्छी लुक आई। इसका कलर भी बहुत अच्छा है और स्टिच जैसे कि चाहा था ना मैंने, कंफर्टेबल, इजी, लॉन्ग, तो ये वैसे ही है। पाइपिंग इसकी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी इस तरह से उसने मैचिंग करके लगाया खुद से। चलो कोई तो काम, टेलर कुछ काम ख़राब कर देते हैं और कुछ काम बहुत अच्छे करते हैं, कभी कभी उनके दिमाग चल जाते हैं, लकी होते हैं आप, बाय चांस आपके कपड़े सही सिल जाते हैं, मैंने तो यही देखा है। ये वाला जो सूट है ये भी लाइमलाइट का है, इसका डिज़ाइन मुझे इतना पसंद था, मैंने दो कमीज़ें ना टेलर को इसी डिज़ाइन में बनवाने के लिए दी हैं, प्लेन सिंपल, और इस पर गोटा लेस लगी हुई है, बाजुओं पे बहुत अच्छी उसने सिलाई की हुई है, इसी तरह से तीन तीन प्लेटें लगाई हुई हैं बाजुओं पे, और इसमें पैनल थे, और ये बहुत लॉन्ग शर्ट है, लाइमलाइट की है, तो इसके साथ ना कैप्री सूट करती है। जब आपकी शर्ट बहुत लंबी होती है ना तो आप कैप्री पहन सकते हैं, प्लाजो भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ मैंने कैप्री बनवाई है और इस तरह की मैंने दो शर्ट्स बनवाई है। समटाइम्स होता है कि आपको कोई डिज़ाइन आप पे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी खुद बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस तरह के दो तीन डिज़ाइन बनवा लें तो कोई मज़ायका नहीं है, लाइक आपके कपड़ों की एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। हमेशा कपड़ों की डिज़ाइनिंग ना अपने मूड के मुताबिक करें, ये नहीं कि किसी ने क्या पहनवाया, आपको जो डिज़ाइन पसंद है ना, जो अच्छा लगता है ना, कंफर्ट आपको जिसमें है आप वो पहने तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये थी मेरी समर की जो शॉपिंग हॉल है, समर लॉन, जो मैंने कपड़े कुछ लिए अनस्टिच, वो उसके फिर मैंने डिज़ाइन भी आपको शेयर कर दिया और किस ब्रांड के लिए वो भी बता दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।